आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सौगात कही जाने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की गुणवत्ता अब आम जनता के लिए चर्चा का केंद्र बनी हुई है। तकरीबन 4 माह के अंतराल में फॉल सीलिंग गिरने की आधा दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी है, जिसे लेकर जिम्मेदार अधिकारियों का एक ही जवाब होता है कि आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर संबंधित विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। अभी हाल ही में फॉल सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा लिफ्ट के सामने गिर गया था। गनीमत यह थी कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। अभी इस घटना को लोग भूल ही नहीं पाए थे, तभी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का फॉल सीलिंग धराशायी हो गई। इन सब के पीछे अधिकारियों का निरंतर एक ही जवाब है कि सीपेज की वजह से ऐसी घटनाएँ हो रही है। सवाल यह उठता है कि क्या निर्माण करते समय ऐसी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया था। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भवन को जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया था, वह चिकित्सीय सुविधा भी सवालों के घेरे में आ रही है। अभी हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें अस्पताल में पदस्थ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों को प्राइवेट अस्पताल भेजने के आरोप लगे हैं। इधर अस्पताल की गुणवत्ता को लेकर आए दिन सवाल उठने लगे हैं। संजय गांधी अस्पताल विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि पूरे विंध्य वासियों को बड़े से बड़े रोगों से निजात मिलेगा। वहां का हाल किसी से छुपा नहीं है। देखना यह है कि आने वाले समय में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है जिसके लिए उसे बनाया गया था, या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। पिछली बार भी फॉल सीलिंग गिरने की समस्या तो हुई थी, और जिसके लिए अपन ने फॉल सीलिंग को कंपनी ने वापस स्थापित भी किया और उसकी रिपेयरिंग की। इस बार ओटी में फॉल सीलिंग छोटा सा हिस्सा गिरा है। उसका रीज़न जो पता लगा है कि वो ऊपर उसके एएचयू यूनिट एसी का डक्ट था, और क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें पानी का कलेक्शन हो रहा था। ह्यूमिडिटी की वजह से जब एसी चलता है तो पानी का कलेक्शन ज़्यादा हो रहा था, और वो पानी ही नीचे आया था, जिसकी वजह से फॉल सीलिंग का गिरना हुआ है। और इस संबंध में हमने जो भी एसी संचालक हैं उनको भी पत्र लिखा है कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसमें अगर रिपेयर की आवश्यकता है तो वो रिपेयर किया जाए। और उन्हीं को हमने लीक किया गया है कि जो एसी के फॉल सीलिंग टूटी है उसका रिपेयर भी वो वर्क करें। सर, अभी ये जो फॉल सीलिंग है, जो साइड की फॉल सीलिंग है, वो पीओपी की बनी हुई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई है, और जब भी उसमें कोई नमी, जैसे उसके ऊपर ही हमारे सारे एसी के डक्ट गए हुए हैं, तो जब पानी कंडेंस होता है और उसके ऊपर गिरता है तो वो नमी पकड़ लेता है और धीरे धीरे फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए संजय गांधी अस्पताल में मेरे ख्याल से फॉल सीलिंग का काम उतना ज़्यादा नहीं है, और यहाँ फॉल सीलिंग का काम पूरे उस बिल्डिंग में है। जो भी उसकी गुणवत्ता की बात है तो गुणवत्ता के लिए भी हमने कई बार उनको लेख किया गया है, हाइट्स को और एचएलएल को, और उनके कर्मचारी आके उनके कई बार इंस्पेक्शन भी किए हैं और कई बार सुधार कार्य भी किए हैं। हमने कई चीज़ों को मेंशन किया है कि ये आपका गलत है, गड़बड़ है। जैसे हमारा WTP है, उसमें वाटर प्रूफिंग अच्छे से नहीं थी तो उन्होंने रिपेयर करके वाटर प्रूफिंग की। यहाँ सीवर लाइन की थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि सीवर लाइन से ओवरफ्लो हो रहा था तो उन्होंने नया सीवर लाइन डाला। इसी तरह इसके संबंध में हमने कई बार लेख किया है कि ये क्यों बार बार टूट रही है, या आपकी जो डक्ट गई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि इतना क्यों कंडेंसेशन हो रहा है, तो इसके लिए उनको लेख किया गया है। तो जैसे ही अगर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होती है या वो होता है तो फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सर, ये वो सुधार नहीं करते तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम जो हमारा काम है कि हम उसके संबंध में पत्राचार करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एजेंसी है और हमने उनको पत्र है और हमने उनको पत्र लिखा है कि जो भी इसमें खराबियाँ हैं उसका सुधार कार्य जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि ये बिल्डिंग 2017 में बन के तैयार हो गई, उसका जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रहता है वो भी ख़त्म हो चुका है 2020 में, तो ये उसके बाहर हो गई है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के, तो इसलिए हम उसके संबंध में लेख जरूर कर रहे हैं उनको। सर, ये जो